वायरल न्यूज़, मैं हूं आपके साथ मानसी राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लॉकडाउन के चलते इंडस वर्ल्ड स्कूल प्रबंधक की मनमानी सामने आई है। जहां स्कूल प्रबंधक बच्चों के पेरेंट्स से स्कूल फीस वसूल रहा है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों के टीचर एवं ड्राइवरों सहित पूरे स्टाफ को सैलरी नहीं दे रहा, जिसको लेकर स्कूल के टीचरों एवं ड्राइवरों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। यह मामला मुराई मोहल्ला स्थित इंडस वर्ल्ड स्कूल का है, जहां सैलरी नहीं मिलने पर स्कूल स्टाफ द्वारा धरना दिया जा रहा है। धरने की सूचना मिलते ही मौके पर सहयोगितागंज CSP पूर्ति तिवारी खुद पहुँच गयी और पूरे मामले को संज्ञान में लिया। मैं लमसम भरती हूँ हर साल फीस, जो मेरे दोनों बच्चे इसी स्कूल में हैं, तो मैं हमेशा उनकी लमसम पे करती हूँ फीस। तो इन्होंने लॉकडाउन में मुझे फ़ोन करके बोला कि अगर आप नहीं भरेंगे तो लेट फी चार्ज होगा, और पूरा 1,45,000 रुपये मैंने लॉकडाउन में इनको चेक दिया है बकायदा। तो अभी आप इनसे क्यों मिलने आए? वही है कि मुझे ऐसा पता चला है कि स्कूल बंद हो रहा है और ये लोग टीचर्स को भी फीस नहीं दे रहे, जबकि हमसे बराबर फीस ली जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग यहाँ टीचिंग स्टाफ और अदर स्टाफ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक्चुअली जनवरी से हमको सैलरी नहीं मिल रही है। बहुत सारे टीचर्स, आप लोग यहाँ देख ही रहोगे, इतनी सारी भीड़ है, और वह इसलिए इतना इस कोरोना के दौरान भी हम लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है और यहाँ के इकट्ठा होना पड़ रहा है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं घर से निकले या फिर इतनी भीड़ लगाएं, लेकिन अभी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है। कंटिन्यूस हम लोग प्रिंसिपल को मैसेज करते हैं, मैनेजमेंट को भी मैसेज करते हैं, कोई हमको जवाब नहीं देता है और ना ही एक भी पैसा रिलीज़ किया जा रहा है। जनवरी से लेकर के आप लोग सोच सकते हैं कि जून तक अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो कोई टीचिंग स्टाफ कैसे सर्वाइव करेगा, या कोई भी स्टाफ होगा वो कैसे सर्वाइव करेगा? सत्तार का चालक हूँ इंडस वर्ल्ड के स्कूल के अंदर। कितने वर्षों से आप यहाँ पर? पाँच छः वर्षों से इस स्कूल के अंदर कार्यरत हूँ। कैसी प्रॉब्लम है आ रही है? प्रॉब्लम सैलरी की हमेशा आती रहती है, सैलरी समय से मिलती नहीं है बिल्कुल भी। और अधिकारी के पास हम अगर सैलरी के लिए कुछ कहने जाते हैं कि सैलरी, तो जवाब सही मिलता नहीं है। वो कहता है उस अधिकारी के पास जाओ, दूसरा कहता है उसके पास जाओ, तीसरा कहता है प्रबंधक से बात करो, दिल्ली बात करो। तो इस तरह के अधिकारी लोग हमको आश्वासन दे के भगा देते हैं। और सैलरी की कम से कम जनवरी से हमको सैलरी नहीं मिली समस्त कर्मचारी। जैसे कि अभी स्थिति यहाँ बनी हुई है लॉकडाउन के कारण, बहुत सारी जगह पे समस्या आ रही है। यहाँ पर भी समस्या आई थी कि टीचर्स जो हैं लोअर लेवल स्टाफ हैं, उनकी फीस को लेकर प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्रशासन से उन्होंने बात की है, प्रशासन ने हमको बोला दी है कि जल्द से जल्द जो भी समस्या है उनका निराकरण होगा, और फिर वापस से अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, इनकी फीस जल्द से जल्द दिलवाई जाएगी, ताकि ये जो समस्या आ रही है इससे जल्द समस्या से निकला जा सके। और ऐसे प्रशासन ने हमको समय दिया है कि 2 दिन बाद ही वापस मिलेंगे, ताकि जो भी